Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Learning with a Difference. दोस्तों, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने बच्चों को रीडिंग सिखाना, और हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा बहुत अच्छे से रीडिंग करे, रीडिंग में इंटरेस्ट क्रिएट हो, उसकी रीडिंग स्किल्स डेवलप हो. तो आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिनको आप यदि फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प होने वाली है अपने बच्चे को रीडिंग में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए. तो चलिए आइए देख लेते हैं. उससे पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. सबसे पहली बात यह है, आप अपने बच्चों को एनकरेज करें कुछ भी रीड करने के लिए, चाहे वो कोई बुक है, स्टोरी बुक है, मैगजीन है. आप उसको इनक्रेज करें, उसका उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करें कि आप खुद से वो चीज़ लेके बैठे, आप खुद से रीडिंग करें बच्चे के सामने, तो बच्चा आपको कॉपी करेगा और उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये कोई डिज़ायरिंग एक्टिविटी है जो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, मुझे भी करना है. और वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वो रीडिंग करने के लिए अपने आप को मेकअप करेगा और रीडिंग करना स्टार्ट करेगा. सेकेंड थिंग ये है कि आप उसको हैबिट डेवलप करें, कम से कम दिन में 20, 15, 20, 25 मिनट वो डेली रीडिंग करें. ये हैबिट आपको डेवलप करनी है, डेली उसका शेड्यूल हो रीडिंग करना, और वो डेली कम से कम 20 मिनट रीडिंग के लिए दे, ये आप एश्योर कर लें. नेक्स्ट थिंग ये है कि उसका जो सिटिंग प्लेस है, रीडिंग प्लेस है जहाँ पर वो रीडिंग कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए. चाहे वो नीचे चेयर पर बैठ के पढ़ रहा है, वो बेड पर बैठ के पढ़ रहा है, उसकी जो वो प्लेस है वो बहुत कंफर्टेबल हो, पीसफुल हो, और वो इस तरह का माहौल ना हो कि वहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लाइक टीवी चल रहा है और कंप्यूटर चल रहा है, कोई म्यूजिक नॉइज हो रहा है. बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिससे उसका रीडिंग में कॉन्सेंट्रेशन रहे. नेक्स्ट थिंग ये है कि आप अपने बच्चे को इनकरेज करें टू रीड न्यूज़पेपर्स, टू रीड बर्थडे कार्ड्स, टू रीड मैरिज कार्ड्स. कुछ भी ऐसी चीज़ हो, आप उससे पूछें कि आप इसको पढ़ के सुनाइए, इसमें क्या लिखा है, किसकी शादी है, क्या लिखा है, किसका नाम है. मेरे को अभी तक याद है जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के पेरेंट्स बोला करते थे, लाइक टीवी में न्यूज़ हेडलाइंस आ रही हैं या कोई मूवी का एड आ रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो ज़रा पढ़ के बताओ कि न्यूज़ में क्या लिखा है या ये कौन सी मूवी है. तो इससे भी बच्चों को ना मतलब खुद से इंटरेस्ट होता है कि हाँ मेरे को पढ़ के बताना है. ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग थिंग होगी कि अगर मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, तो ये भी एक तरीका है बच्चों का रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने का. तो आप ऐसा कर सकते हैं. एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो आप उनको बहुत जो आपकी स्टोरी बुक्स जो आप बच्चे के लिए लेके आए हैं, बच्चा जिनको लेकर बैठा है, वो थोड़ा कलरफुल हो, उसमें पिक्चर्स हो, तो बच्चे पिक्चर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ये भी एक तरीका है बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने का. तो आई होप ये आपको टिप्स कुछ काम आ सकेंगे. यदि आपको ये टिप्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.